हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रेन गेम। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई असाइनमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई असाइनमेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाई वी शुड टेक इट सीरियसली। सो अगर आपको पता ही होगा कि दोनों असाइनमेंट्स एंड टर्म एंड एग्जामिनेशन कंपलसरी है, असाइनमेंट्स के बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, एंड दोनों में आपको सेपरेटली पास करना पड़ता है एटलीस्ट विथ 40% मार्क्स। एंड यू नो कि असाइनमेंट्स आपका 30% वेटेज कैरी करता है एंड बाकी के बच्चे 70% टर्म एंड एग्जामिनेशन से मिलते हैं। सो अगर आप टर्म एंड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं तो असाइनमेंट्स आर देयर फॉर द रेस्क्यू। सो बेसिकली अगर आप असाइनमेंट्स में बहुत अच्छा अगर स्कोर करते हैं तो आपके फाइनल मार्क्स को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, आपके ग्रेड को बढ़ा देते हैं, आपके परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। सो ऑफकोर्स यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके असाइनमेंट्स जो हैं उसके मार्क्स जुड़ते हैं आपके फाइनल मार्क्स में। अगर आप जितना ज़्यादा असाइनमेंट्स में स्कोर करते हो उतना ही ज़्यादा आपके फाइनल मार्क्स भी बढ़ते हैं। सो जितना डेडिकेशन के साथ आप टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो उतना ही डेडिकेशन आप असाइनमेंट्स में भी दीजिए। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है या किसी से कॉपी करके ही असाइनमेंट्स आप लिखते हैं तो वो बिल्कुल आप रोक दीजिए, उसे आप नहीं कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट्स में से आप फ्री में मार्क्स लेके जा सकते हैं। सो अगर आप असाइनमेंट्स को सीरियसली लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से असाइनमेंट्स को लिखें, कैसे प्रेजेंट करें और कैसे अच्छे मार्क्स ला सकें, एटलीस्ट 90% अबव कैसे हम स्कोर कर सकें। सो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया है बट आज इसमें एक न्यू अपडेट है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ पेपर शुड आई यूज फॉर द असाइनमेंट्स? द आंसर इज फुल स्केप साइज पेपर या फिर A4 साइज शीट्स जो कि वाइट कलर के हों। अवॉइड यूजिंग थिन पेपर, अच्छी क्वालिटी के शीट्स का ही यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट, वट काइंड ऑफ पेन शुड बी यूज? सो यू कैन यूज ब्लैक पेन फॉर राइटिंग द क्वेश्चन एंड ब्लू पेन फॉर राइटिंग द मेन आंसर। एंड कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, बॉल पेन और जेल पेन, डजेंट मैटर, बट यूज अ पेन जो आपके हैंड राइटिंग को इनहेंस करें। नेक्स्ट पॉइंट, सो 4 सेंटीमीटर का मार्जिन गैप लेफ्ट साइड पर हमेशा रखें एंड हर आंसर के बीच एटलीस्ट 4 लाइन्स का गैप भी छोड़ें। दिस स्पेस इज फॉर द एग्जामिनर टू कमेंट ऑन द आंसर और टू गिव मार्क्स। ऑल्सो इससे नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज राइट योर आंसर्स इन योर ओन हैंड राइटिंग ओनली। कोई भी प्रिंटेड मटीरियल नहीं चलेगा वरना आपके असाइनमेंट्स इनवैलिड हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद से लिखें, अपने पेन से ही लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपके सबसे पहले पेज पर क्या होगा, ये हमने हमेशा से आपको बताया है। येस दैट्स राइट, योर डिटेल्स। इस पेज में सभी मेंशन डिटेल्स हैव टू बी करेक्ट, अदरवाइज आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। नाउ सेकेंड पेज पर आप अपने इग्नू आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करेंगे एंड ऑन द नेक्स्ट पेज अटैच द असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इन हाउ मेनी पेजेस और वर्ड्स वी शुड राइट द आंसर्स इन? वेल दिस टोटली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मार्क्स एंड सब्जेक्ट एज वेल। फॉर एन आर्ट सब्जेक्ट राइट एटलीस्ट इन 500 वर्ड्स, दैट इज यू विल नीड टू फिल अराउंड 5 to 6 pages फॉर वन आंसर। सो इसी को ध्यान रखते हुए आप अपने आंसर्स को उतने ही वेटेज के हिसाब से लिखें। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू शुड क्लियरली मैंशन क्वेश्चन नंबर एंड आंसर नंबर फॉर ईच एंड एवरी आंसर। अब आप में से बहुत से ऐसे हैं जो आंसर्स किसी फ्रेंड से कॉपी करते हैं या फिर यू बाय द आंसर शीट फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट लेट मी टेल यू, अगर कॉपीड आंसर्स नोटिस कर लिए गए तो आपके असाइनमेंट्स रिजेक्ट हो सकते हैं, इवन डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जा सकते हैं आपके खिलाफ। सो ट्राई टू डू योर असाइनमेंट्स ऑन योर ओन। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ असाइनमेंट्स आपको इसे अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना होगा एंड नॉट योर रीजनल सेंटर। आफ्टर सबमिटिंग आपको रिसीट मिलेगी, वो जरूर संभाल के रखें फॉर फ्यूचर रेफरेंस एज प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स कि आपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट किया है, उसी का ये प्रूफ रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट योर आंसर्स इन इग्नू असाइनमेंट। सो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे असाइनमेंट हो या टर्म एंड एग्जामिनेशन। आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी होनी चाहिए। ऑलवेज लीव स्पेस बिटवीन योर आंसर्स एंड राइट इन नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग। सेकेंड टिप, राइट ऑन योर ओन। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट ऑफकोर्स, योर स्टडी मटीरियल, लेकिन आप खुद से लिखें। नेक्स्ट टिप, आंसर्स शुरू करने से पहले ऑलवेज स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन ऑफ द आंसर। राइट द मेन जिस्ट इन द फर्स्ट फ्यू लाइंस, देन राइट इन पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स में प्रेजेंट करना है।
So create bullets and give heading to each and every answer, then elaborate your answer afterwards. Har ek point ko elaborate karte chalo. And provide good examples in your answers to create good impression. Examples dijiye aap apne answer mein. Then end your answers with a conclusion point. Within in two or three lines. So, आप अपने answer को जो है जब खत्म कर रहे हो तो उसको आप end कर रहे हो कैसे? By giving some conclusion. अगर आपके answers में आपको diagram बनाना है, mention करना है, then neatly and cleanly उसको अच्छे से बनाएं. Use a pencil, use a ruler. So, basically आपको एक बहुत ही अच्छा impression जमाना है, जो भी examiner है, जो भी checker है, check कर रहा है, जो आपको evaluate कर रहा है आपके answers को, तो आपको इस तरह से present करने अपने answers को कि यार आपको वो full marks दे दे. ठीक है, तो कोई कमी ना छोड़ें आप, अच्छे से इलैबोरेट करें, यूज़ लाइक राइट इन पॉइंट्स एंड यूज़ वेरी वेरी गुड हैंड राइटिंग टू प्रेजेंट योर आंसर्स. नीट एंड क्लीन होना चाहिए. यूज़ ब्लैक पेन टू हाईलाइट समथिंग. अगर आपके पास कुछ की वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, तो उनको बोल्ड लेटर्स में लिखो या उनको जो है हाईलाइट करने के लिए उसके नीचे पेंसिल से या ब्लैक पेन से उसे अंडरलाइन कर दीजिए. सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड सो दैट कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपको अच्छे से उसमें मार्क्स दे दें. So this is how you are going to present your answers. And I hope कि आप ऐसे ही अगर assignments लिखें then I can guarantee that आप 90% plus ज़रूर assignments में score कर पाएंगे. I hope this video helps you in getting good marks in assignments. For further doubts or queries, feel free to use the comment section down below and subscribe to our channel for more such tips related to IGNOU. Thank you so much.